पण सुरुवातीला दोन मोठे फटके बसले परंतु त्यानंतर विकेट प्राप्त केले पहिला ब्रेक थ्रू मिळवून दिला आपल्या संघासाठी आणि वन डाऊन बॅटर प्रणय बाकर स्ट्राईकी एंडला लोअर फुल टॉस चेंडू सरळ बॅटने समोर खेळा मिड ऑफला चांगलं क्षेत्र अक्षण परतीची फेकी तोपर्यंत एक धाव्या चेंडूवर नक्कीच जोखीम भरे हे धाव होती परंतु यशस्वीरित्या पूर्ण होत असताना या सिंगलने सांघिक धाव संख्या नेल्सन फिगर वरती अकरा धावा एक गडीबात या फलकावर शतक षटक पावरपेच आणि गोलंदाज मार्ग वरती अंकुश बामरडे शॉर्ट चेंडू सुंदर फटका कवरला खेळ आहेत परंतु खराब पाऊस फिलो त्याचमुळे चेंडू देखील अडकला जातो थांबला जातो एक धाव मेला चेंडूवरती चांगला फटका होता बॅकफूडवरती जाऊन बॅकफूर पंच केला शॉर्ट कव्हरला परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील खराब पाऊट चेंडू अडकला एकेरी धावाने सिंगल धावा धाव संख्येने धाव संख्या बारा धावा या धावपलकावर की वरती असेल प्रणय बागकर यावेळी शॉर्ट चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न परंतु फटका क्षेत्ररक्षक क्षेत्रक्षक करतोय परंतु दोन क्षेत्रक्षांच्या मध्ये हे चेंडू विसावला गेलाय थोडस कठीण झेल होतं मिडाऊनच्या क्षेत्ररक्षकला उलट्या दिशेने धावून झेल घेण्याचा प्रयत्न या चेंडूवरती परंतु अंतिम चेंडूवरती दोन धावा निघत असताना सांघिक धाव संख्या एका षटकाच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद धाव चौदा धावा प्रथम फलंदाजी करत असताना आरवलेश्वर आरवली क्रिकेट संघ दमदार सुरुवात दहा या धवसंख्येवरती विशाल माघारी परतल्या मैदानात प्रणव बाखर आणि त्याचबरोबर भूषण जाधव ही जोडी पाहायला मिळते संध्याच्या हंगामात आरवलेश्वर आरवली क्रिकेट संघ देखील दर्जेदार क्रिकेट खेळतोय या संघाच्या विरोधात बांबर्डा क्रिकेट संघ कुळा तालुक्यातील एक दिग्गज संघ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दुसरं छोट्या गोलंदाजी मार्ग नारायण पहिला चेंडू कट केलाय बॅकवर्ड पॉइंटला चेंडूचा प्रवास शॉर्ट मध्ये शॉर्स दरम्यान जोपर्यंत चेंडू फील करेल एक धाव्या चेंडूवरती आणि सिंगलने सांगित धाव पंधरा दुसरा या धावपलकावर सगळ्या चेंडूला सलमान देणं खराब चेंडूवरती आक्रमण करणं हे क्रिकेटचं परिसूत्र आणि त्याचा अवलंबलं जाते मैदानात सिंगलने स्ट्राईक रोटेट केले सांगिक संख्या देखील बदल पंधरा धावा धावपलकावरती यावेळी शपल उलपटक्या खेळण्याचा प्रयत्न परंतु मैदानात दांडे गुल झाले फलंदाज प्रणव बाग करायचे दुसरा धक्का बसतोय आरवलेश्वर आरवले क्रिकेट संघाला हृदय यष्टीवरती शपोलून फटका खेळण्याचा प्रयत्न फायनलेक्च्या दिशेने परंतु चेंडू वेगात अद्गतीरे यष्ट्यांचा वेध घेतोय क्लीन बोल होतोय प्रणय हा फलंदाज दुसरा धक्का सांघिक धाव संख्या आता दोन गडी वाद धावफलकावरती पंधरा धाव षटने टाकण्यात सलमान सन्मानजनक फटका स्टेट ड्राईव्ह चा समोरच्या दिशेने बॅक टू द बॉलर फटका खेळ आहे निर्धाव चेंडू आहे धावपलकावर सागल्या चेंडूला सन्मान निर्धाव चेंडू सांगिक धाव संख्या पंधरा धाव आहे धावपलकावर यावेळी मिस टाइमिंग फटका बॅट ची कडा विकेट किपर साठी एक साध सुपर झेल तिसरा धक्का बसतोय अरवलेश्वर अरवली क्रिकेट संघाला पंधरा धावा आहे धावफलक्यावरती मैदानात धावांसाठी आता संघर्ष करण्यास परावृत्त गोलंदाजी मैदानात पाहायला मिळते नारायणाने दोन विकेट प्राप्त केले पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज प्रणय बाकऱ्याला माघारी परतवला आणि त्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवरती गोल्डन डक वरती बाद केले संघाचा कर्णधार विनय जाधव हो बॅक टू निलेश असेल वरती पहिला चेंडू फेस केलेल्या दरम्यान आले आले मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आडव्या बॅटने परंतु हा देखील प्रयत्न चेंडू या नारायण याचं कौतुक करावं लागेल कारण पहिल्या षटकात प्रमुख गोलंदाजावरती परंतु त्यानंतर उदाहरण मैदानात या गोलंदाजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं यावेळी आडव्या बॅटने फटका ऑन साईडला खेळ आहे जाईल चेंडू डेप स्क्वेअर लेगच्या वरून पलीकडे सहा धावांसाठी निलेश सोनसुरकर याच्या बाडमधून आक्रमक दमदार दर्जेदार फटक्या दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर एकवीस धावा दहाच्या सरसऱ्या धावा धाव फलकावरती येणाऱ्या दोन षटकांचा खेळ अजूनही मैदानात बाकी राहिल्या तिसऱ्या षटका दरम्यान गोलंदाजी मार्ग वरती क्रिकेट संघाकडून अक्षय माजरेकर हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय पहिला अक्षयचा तिसरा षटक राहत्या द विकेट एन वरती भूषण जाधव हो। पहिला चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न समोरच्या दिशेने चेंडू निघायला मिळवला क्षेत्ररक्षक तुष बांबारडेकर जोपर्यंत चेंडू अडवेल तोपर्यंत एक धाव धावा चेंडूवरती आणि या सिंगलने सांघिक धाव संख्या बावीस थवाया या धावपलकावर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न भूषण जाधव देखील कारण आक्रमक फटकेबाजीसाठी ओळखला जातोय त्या सामन्या दरम्यान नक्कीच नॉन स्ट्रायकी एन्डवरती स्ट्राईक एन वरती असेल निलेश सोनसुरकर चांगला चेंडू ब्लॉक होल मध्ये वेग लाय खोदून अलॉंग अलँग चा फटका समोरच्या दिशेने डीप ऑनला चांगला क्षेत्राक्षण कारण या क्षेत्राक्षर अर्वे सिंगलने धाव संख्या आता तेवीस थवाया या धावपलकावर सुरुवातीच्या दोन चेंडू वरती सिंगलने गेल्यात निलेश आणि भूषणच्या मधून या स्लॉक दरम्यान चांगली गोलंदाजी अचूक शरीरावरती देखील चांगले नियंत्रण ठेवत असताना गोलंदाज अक्षय मांजरेकर याच्यापर्यंत दोन चेंडू चांगल्या पद्धतीने टाकण्यात आले धाव धावसंख्या तेवीस थावा धावपलकावरती भूषण असेल स्ट्रायकिंग पुढील चेंडू तो फेस करेल या षटकादरम्यान त्यावेळी शॉर्ट चेंडू पूल करण्याचा प्रयत्न बॅटची ची इनरएस लागत असणार शॉर्ट फालिकला चांगला सिंगलने सिंगल धाव संख्या चोवीस थवाया धावपलकावरती शॉर्ट ला चांगले क्षेत्ररक्षण परंतु फेकी जर पाहिले तर थोडीशी नक्कीच ढिलाईने विकेट कि परंतु एकच धाव्या चेंडूवरती मिळाली आणि एकेरी धावाने सांगित धाव संख्या चोवीस धावा धावपलकावर आतापर्यंत तीन चेंडूवरती तीन धावा निघाल्या आक्रमण करण्याचा प्रयत्न प्रत्येक चेंडूवरती सातत्याने केला जातो परंतु समोरून देखील अक्षय मांजरेकर या गोलुंदाकडून अचूक टप्प्यावरती हा भेदक मारा यावेळी शॉर्ट चेंडू हुक्का फटका बॅटची कडा घेत असताना चेंडू निघाला दिशेने जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक डीप स्क्वेअर लेक वरून पोहोचेल फील्ड करेल चेंडू परतीची फीक होईल तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न मैदानात झालाय सफल चांगलं रनिंग बिटवीन विकेट तीन धावाने सांघिक धाव संख्येत बदल घडेल धावपलकावरती सत्तावीस थबा तीन गड्यांच्या मोबदल्यात हाफ ट्रॅकर चेंडू परंतु मिस्ट्रायमिंग फटका पर लॉंग लेगच्या दिशेने चांगल्या क्षेत्राक्षर महत्वाची एक धाव रोपली परंतु या तीन धावेने सत्तावीस थबा धावपलकावर स्लॉक षटकाड या स्लॉक षटकाचा विचार केला अंतरिम दोन चेंडूंचा खेळ असेल बाकी या षटकादरम्यान సమేరే కడలాయిల్ చె స్ట్రేట్ డ్రైవ చ ఫటక్యా ఓవర్ ది బాల్ ఫటక్యాంగ్ సభ तेहत्तीस धवा धावपलकावरती ऑफला षटकर फलंदाज भूषणच्या बॅडमधून सरळ बॅटने दमदार षटकार याही वेळी मोठा फटका परंतु इथे झाला ऑफला आहे क्षेत्रक्षक जज करतोय झेलची संधी असेल परंतु एक साध सोपं झेल देखील मैदानात सोडण्यात आलं दुसऱ्या धाव्याचा प्रयत्न तो देखील यशस्वी झाला अंतिम वरती सुटलेल्या झेलावरती दोन धावा भूषणच्या बॅडमधून आणि या दोन धाव्याने सांघिक धाव संख्या तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर तीन गडीबात पस्तीस धवा धावपलकावरती येणारा अजूनही एका षटकाचा खेळ मैदानात बाकी राहिलाय दोन षटकांचा विचार केला तर एकवीस धावा परंतु या षटका दरम्यान सुरुवातीला चांगले गोलंदाजी अक्षयाच्याकडून परंतु एक मोठा फटका या षटकाला मोठं बनवताना पाहायला मिळतोय पस्तीस धावा या धावपुलक्यावरती यानंतर सामना असेल पीके स्पोर्ट रेडी विपक्ष आर्या स्पोर्ट तुळस या दोन संघादरम्यान दोन्ही एक संघ कर्णधार आपल्याला विनंती असेल आणि पहिला पुकार देखील असेल पण टॉससाठी लवकरात लवकर आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये पीके स्फोट रेडी विपक्ष असेल आर्या स्फोट तुळस दोन्ही संघ करणार धारा आपण टॉस अंतिम षटक गोलंदाजी मार्ग वरती बबलू सडेकर हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय गौरव गोलंदाजी मार्ग वरती स्ट्राईक वरती असेल निलेश सोनसुरकर पहिला चेंडू तो फेस करेल या षटकादरम्यान पहिला चेंडू फुलर लेनचा चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न परंतु हा प्रयत्न असफल ठरतो निर्धाव चेंडू सुरुवात चौथ्या षटकाची

स्ट्राईक रोटेट झाल्यानंतर आता भूषण जाधव अंतरिम चार चेंडूंचा खेळ बाकी षटका षटकादरम्यान यावेळी स्लोवर चेंडू हाफ ट्रायकर आडव्या बॅटने फटका मिड विकेटला डीप मध्ये साई परब पाहायला मिळतो चांगले क्षेत्राक्षण परंतु अतिघाई मैदानात पहायला मिळाले परतीची फेकी तोपर्यंत दोन धावा या चेंडूवरती दोन धाव्याने सांगित धाव संख्या अडतीस धवा धाव पलकावर मिडविकेटला थोडीशी अतिघाई साई परब यायचे त्यामुळे दोन धाव्याने एन वरती पुन्हा एकदा भूषण जाधव जीवनदान प्राप्त झाल्यापर्यंत अंतिम षटकातील काही चेंडूंचा खेळ बाकी आक्रमण करावा लागेल याही वेळी पुन्हा एकदा सबोच्या दिशेने फटका आडव्या बॅटने बाडीश लॉंगला डेप मध्ये क्षेत्ररक्षक फील करेल जोपर्यंत दोन धाबा या चेंडूवरती देखील चॅलेंजिंग आउटफिल्ड डान्सिंग क्षेत्र आणि त्याचमुळे या खेळपट्टे या मैदानावरती सोप्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण करणं कठीण पाहायला मिळते दोन धाव्या सांगिक धावसंख्या धावपलकावरती चाळीस धावा तीन गड्यांच्या मोबदल्यात यावेळी सबोवच्या दिशेने मोठा फटका खेळणार भूषण जाधव या बॅटर जाईल लॉंग ऑफला सीमारेशच्या पलीकडे सहा धाबांसाठी ज्या मोठ्या फटक्याच्या शोधात भूषण जाधव हा बॅटर तो मोठा फटका निघालाय बोलंदाज गौरवच्या विरोधात आणि या षटकडे सागी धाव संख्या सेहेचाळीस धपा धाव पलकावर विनंती असेल आरसीसी देऊळवाडा मंडळातील सर्व लाईनमन नाके आपण प्लस नम्र विनंती असेल की आपण लाईनमनचं काम पाहायचं आहे जेणेकरून लवकरात लवकर चेंडू मैदानात यावा सेहेचाळीस थबाया धावपलकावरती यावेळी शॉट चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न बराच वेळ चेंडू हवेत आणि अंतिम चेंडूवरती भूषण जाधव माघारे परतेल चार षटकांचा झालाय खेळ समाप्त पहिल्या इनिंगचा झालाय खेस् समाप्त टॉस प्रथम फलंदाजी करत असताना अरवलेश्वर अरवली क्रिकेट संघ चार गडीबाद सेहेचाळीस थवाया धावपलकावरती सत्तेचाळीस धावांचं असेल लक्ष आव्हान प्रतिस्पर्धी बामारडा क्रिकेट संघासमोर नक्कीच या सत्तेचाळीस धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल येणाऱ्या दुसऱ्या इनिंग दरम्यान पाहायला मिळेल परंतु पुन्हा एकदा कॉल असेल सेकंड मॅच साठी पीके स्पोर्ट रेड विपक्ष आर्या स्फोट होत कॅप्टन आपल्याला विनंती असेल आपण टॉस वर लवकरात लवकर कॉमेंटरी लवकर, बॉक्स समोर या कॉमेंटरी बॉक्स मध्ये सेकंड इनिंग साठी जोडले जातील काका सावंत सर देवबाग तुळस दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे फॅमिली संपर्क साधा दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना नाण्यापैकीसाठी बोलावण करतोय आपल्या सर्वांना रसिक श्रोत्यांना आणखी एक विनम्र आवाहन जास्तीत जास्त संख्येने या पुढचे सामने बघण्यासाठी या सरदर्शन बांदेकर आपल्याला इथं दर्शन देणार आहेत देवेंद्र और साई बल्लेबाजी के लिए जाते हुए नावली क्रिकेट टीम का जो आयोजन था उनमें साई परब खूबसूरत बल्लेबाजी किए थे इसके बाद देवेंद्र भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी अच्छी टीम चेस के लिए आते हुए जीत कलक्ष रन फोर्टी सिक्स रन टू विन जीत 40 रनों का लक्ष्य निर्धारित चौबीस गेंदे 40 रन स्ट्राइक पर साई परब नॉन स्ट्राइक एंड पर देवेंद्र विनय जाधव गेंदबाजी के लिए आजकल मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज की चलती है बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं पहली पहली गेंद गेंद, विन डालने के लिए टू टिप्पा खाने के बाद आउट साइड बाहर और चली जाती हुई यहाँ टीम उपस्थित होती हुई दोनों टीम के कप्तानों से विनती है टॉस के लिए आ जाए जीतकर सैतालीस रन फोर्टी सिक्स रन स्कोरबोर्ड पर लगाए प्रारंभिक बल्लेबाजी करते हुए आखिरी ओवर में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी विनय फिर, फिर एक बार चले अच्छी गेंद लेकिन अच्छा स्ट्रोक कवर की तरफ बाउंड लाइन की तरफ गेंद जाते हुए डिप एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के बाहर चार रनों के लिए खूबसूरत स्ट्रोक ये साई अगर फॉर्म में आ जाए हमने नावेले में देखा था बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं साई पर तो साई की कृपा अगर टीम पर रहेगी तो यह मैच उनके लिए आसान हो जाएगा रेडी और डेव बाग दोनों टीमों के बीच होने वाला अगला मुकाबला हालांकि दोनों टीमें फुल फॉर्म में साल अच्छी गेंद फुल टॉल और फुल टॉल सीधे हाथ में मार बैठे हालांकि क्या छूटा और उसके साथ गेंद से मिसफील्ड होते हुए दो रन साई के लिए मिलते हुए टॉस जीता है दो, दो पीके स्पोर्ट्स रेडी वन टॉस स्पोर्ट देवबाग तुलस अच्छी गेंद जड़ में फेंकी गई उसे खोद के निकाला अच्छा ड्राइव किया जब तक फील्ड होता और देवेंद्र पहली मरतबा स्ट्राइक पर आते हुए विनय के सामने जब भी उनकी टीम पर साई की कृपा होती है तो उनकी टीम बहुत मार्जिन से जीतती है बाम्बर टीम बेहतरीन खिलाड़ी इस टीम में हमारे मित्र अंकुश बांबड़ेकर एक बहुत बेहतरीन गेंदबाज एक अच्छे इंसान जाने जाते हैं देवेंद्र आजकल फुल फॉर्म में है इस मैच में इस टूर्नामेंट में अपना आगाज किस तरह से करते हैं फील्ड का मुआयना करते हुए विनय की गेंदे खेलना बहुत मुश्किल होता है लेफ्ट आर्म गेंदबाज है उसके बाद बाबा भागकर जैसे तो गेंदबाज जिस टीम में ये गेंद अच्छी गेंदी के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई इस गेंद को देखे बगैर ही बल्ला घुमाया था जिस गेंद को कवर या पॉइंट की तरफ खेलना चाहिए था उसको मिड ऑन मिड विकेट की तरफ खींचने की कोशिश बल्ले और गेंद का मिलन नहीं हुआ बल्ले आ, और गेंद विकेट कीपर वामन जो एक इस चार में डालेंगे और ओवर हमेशा रहता है वामन कावले का, का। अगली गेंद लेकर विदाई फिर एक बार उसी तरह की गेंद जो टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली और इसके साथ ओवर तो की समाप्ति हुई पहली ओवर की समाप्ति के बाद मात्र आठ रन सात रन स्कोर बोर्ड पर चढ़ते हुए तो अभी भी 40 रन चाहिए अठारह गेंदे और चालीस रन यह इक्वेशन इस मैच को जीतने का हालांकि दोनों बल्लेबाजों से साई परब अब तक एक चौबा लगा चुके हैं देवेंद्र के बल्ले पर अब तक गेंद चढ़ी नहीं पर गेंदबाजी के लिए एक्सप्रेस बाबा आते हुए कि वंबरा टीम के लिए इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि सामने जो बल्ले वाली कर... गेंदबाजी करने वाले तीनों गेंदबाज अब जो बचे है, वो बहुत खूबसूरत गेंदबाजी करते हैं अब साई को थोड़ा सा हर एक गेंद पर रन बनाने की सोच होनी चाहिए अठारह गेंदे और चालीस रन यह इक्वेशन तेरह रन ओवर का औसत लगभग अठारह गेंदे चालीस रन जब तक साई है एक छोर पर आशाए है अच्छी गेंद अच्छा स्ट्रोक ये गेंद जब तक फील्ड होती यहाँ थोड़ी सी मे और चार रन के लिए बाउंड रन के बाहर बाबा की पहली गेंद पर हालांकि एक चौबा तो आया साई ने अच्छी शुरुआत तो इस ओवर की, की रिवर्स करने की कोशिश बाल-बाल बचे यहां। जब लगभग से छूकर करीब से गेंद निकली छू जाती अगर हल्की सी लगती तो अच्छी गेंद थी जिस पर रिवर्स लेने की कोशिश हालांकि साई को कोशिश फाइन लेग पर करनी चाहिए जो करीबी बाउंड्री है रिवर्स पर अब वहां खिलाड़ी तैनात बाबा की अच्छी गेंद वापसी करते हुए पहली गेंद पर हालांकि फील्ड के कारण चौवा आया तीसरी गेंद खराब गेंद ये गेंद निश्चित रूप से वाइड का शर्त तो हमारी तरफ आ रहा है लेकिन अगर इस गेंद पर बल्ला लगाते साई तो हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ एक झंझनाता चौ देखने को मिलता और वही जो बाउंड्री लाइन है मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं वो बहुत छोटी बाउंड्री लाइन यहाँ डीप फाइन लेक पर लेकिन इस गेंद को गवाया बहुत खराब गेंद थी शॉर्ट पिच गेंद थी घुमाया था इस गेंद को मात्र और क्लीन बोल्ड हुए करना तो वही चाहते थे लेकिन बल्ले पर गेंद चढ़ी नहीं और स्टम के ऊपरी हिस्से को छूकर गेंद चली गई विकेट पहली साई के रूप में डगआउट में वापस नए बल्लेबाज विकेट कीपर गेंदबाज और बेहतरीन बल्लेबाज गौरव गौरव खेलने के लिए तैयार रेडी है बाबा बक्कर को सफलता मिलती हुई हालांकि पहली गेंद पर चौबा आने के बाद दूसरी गेंद डॉट डाली तीसरी पर विकेट यानी कुल मिलाकर तीन गेंदों पर चार रन अब तक दिए क्या खूबसूरत गेंदबाजी का विवरण है ये पांच रन दिए एक वाइड फेंका था वापसी करते हुए बाबा बक्कर नए बल्लेबाज गौरव फील्ड दूर दूर तक सजाई दिखाई देती हुई डीप मिड्यूकेट डीप लॉन्ग ऑन लॉन्ग डीप कवर अगली गेंद लेकर बाबा बक्कर चले अच्छी गेंद बहुत अच्छा है हालांकि वह क्या जो सकता था लेकिन हल्की सी गेंद एक बार काटा बदलती हुई दो रन देने का आसान मौका इन दो रनों के बदौलत रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या पहुंचे चौदह रनों पर चौदह रन स्कोर बोर्ड पर इक्वेशन बहुत अभी भी दूर है अभी भी चौदह गेंदे बची है और जीत का लक्ष्य जो है सैतालीस रन था अब तक मात्र चौदह रन आए हैं ये बल्ले का हिस्सा लगा कि इनको और जब तक गली पर शॉर्ट गली पर फील्ड की जाती है एक रन देने का आसान मौका इसके बाद वामन का गोवर और प्रणय बागर का का एक ओवर रहेगा तो ये चेस अभी से शुरू होना चाहिए अभी से थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए। ये गेंद अच्छी थी, बड़े स्ट्रोक के लिए लेकिन एलिवेशन मिला नहीं नीचे खिलाड़ी और कोई गलती नहीं यहाँ बहुत दूर से खींचने की कोशिश देवेंद की और आउटसाइड बहुत बाहर थी ये गेंद नए बल्लेबाज अक्षय की आउटस्विंग होती हुई जिसको खींचने की कोशिश जो कोशिश नाकामयाब रही गेंद वही ऊपर उठी बहुत जल लगभग काउ कॉर्नर के करीब बाउंड्री के अंदर दस पंद्रह कदम वहां अच्छा कैच लपका गया देवेंद्र हालांकि बेहतरीन खेलते इस मैच में कुछ रिदम में नहीं दिखे पहली दो तीन गेंदे उन्होंने गवाई उसके बाद थोड़ा सा रिदम आपको जब भी पहली गेंद से रिदम मिलता है बल्लेबाज के मन में संदेह नहीं होता और वो पूरी तरह से टूट पड़ता है सामने वाले गेंदबाज पर आपका टाइमिंग अगर सही होना शुरू हो जाए तो यॉर्कर लेन की गेंद भी आप चौबे के लिए मार सकते हैं माइंड गेम जिसे कहा जाता है आपके मन में जब भी फुल कॉन्फिडेंट हो तो फॉर्म रहना और फॉर्म जाना इसमें से फर्क जो होता है आपका जब भी फॉर्म होता है आप किसी भी गेंद को बाहर उछाल दे सकते हैं आपका जब भी फॉर्म होता है आप हर एक गेंद को दो खिलाड़ियों के बीच में धकेलने में सक्षम रहते हैं गैप्स मिलते हैं लेकिन जब भी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं आपका कितना भी अच्छा स्ट्रोक लगे फील्डर के पास जाता है यही विडंबना क्रिकेट की वामन काउटसाइड वाइड का इशारा मत हुआ वहां अपने जगह से हिले नहीं थे इसी कारण सोलह पर पोस्ट स्कोर गौरव और दूसरे बल्लेबाज अक्षय नौ गेंद पर गरों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बेहतरीन खिलाड़ी है, वामन कावले पहली गेंद वाइड, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, काउं कॉर्नर के ऊपर से छह रन, व्हाट अ हेड दैट वाज, और दीप काउं कॉर्नर फॉर सिक्स रन सामने गेंद मिली पूरा फायदा उठाया, दीज, दीज. बच छोक था ये पवन कॉल है फिर एक बार रेडी दूसरी गेंद पर पहली गेंद पर छक्का आया अच्छी गेंद अच्छा छोक गई है लेकिन क्या रनआउट आउट का खतरा डायरेक्ट हिट होती तो निश्चित रूप से वापसी होती लेकिन गौरव सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंचते हुए स्ट्राइक पर पहली मर्तबा अक्षय आते हुए इस ओवर में अब तक 7 रन 8 रन आए दो गेंदों में यह सही चेस के लिए एलिवेशन के लिए यह ओवर सही है अब तक दो गेंदों में आठ रन क्या इसको बढ़ाना चाहेंगे अगली गेंद वामन फिर एक बार अच्छी गेंद किया था इस गेंद को चकमा दिया गेंद ने वहां के खिलाड़ी को जिससे दो रन लेने का आसान मौका मिलता हुआ इन दो रनों के बदौलतनीय बबल ने गेंद आगमन होते बबल मना स्वागत बबन आप स्वागत अपना विनंती है आमच स्वागत स्वीकार द बिग मैन बबल नाइक द मैच विनर इसी बीच मैच की तरफ वापस चलते हैं वामन की अच्छी गेंद ये क्या छोटा फिर एक बार एक रन मिलता हुआ बबल नाइक यहाँ आते हुए उपस्थित होते हुए छोटा पैकेज बड़ा धमाका बहुत सारे मैचेस में जिनके बल्लेबाजी की दहशत हर एक गेंदबाज के मन में होती है अगली गेंद लेकर अच्छी गेंदाज चास्ट हो गई है बीच में खिलाड़ी मौजूद है डीप में एक रन देने का आसान मौका दूसरा रन पूरा तीसरे की गुंजाइश बन सकती थी लेकिन दो रन के साथ रन संख्या पहुंची है था इस रनों पर आकरी गेंद आकरी गेंद इस ओवर की शेष एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ बनता है अगर वो आएगा तो ये चेस थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा अच्छा स्ट्रोक शायद चार या छह देखना है तरफ चार रनों का से फाइनल के बाहर चार रन और इन चार रनों के सात रन संख्या पहुंची बत्तीस विजय समीकरण स्ट्राइक वर गौरव नो स्ट्राइक वर अक्षय नो स्ट्राइक वर गौरव तो, तो गौरव स्ट्राइक वर है गोलंदाजी का भार सोपल सोपल जो तो प्रणय बाकर प्रणय बाकर इज गोइंग टू बोल द लास्ट ओवर छह गेंदे जीतने के लिए पंद्रह रन अक्षय पर गौरव एक आखिरी गेंद पर बहुत खूबसूरत स्ट्रोक थोड़ा सा अगर ऊंचा नहीं जाता तो छ रन हो सकते थे उस स्ट्रोक पर तो वही जो बाउंड्री टारगेट कर रहे थे गौरव छह गेंदे पंद्रह रन इस मैच को जीतने का इक्वेशन कांटे का मुकाबला ये छेंदे छे पंद्रह रन अच्छा स्ट्रोक है ये छह रन के लिए जा रही गेंद छह रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर अब पांच गेंदे गेंदे नौ रन हवा का जो रुख था उसको देखते हुए हम जो झंडे लगाते हैं वो झंडे बहुत काम आते हैं बल्लेबाजों के लिए उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए अच्छी स्ट्रोक गेंद के नीचे आए थोड़ा सा अपने आप को आगे ले गए गेंद के नीचे आए और एक खूबसूरत ड्राइव जो ड्राइव लंगन बाउंड्री लाइन को लांग कर छह रन प्रदान करता हुआ अक्षय अच्छा को पांच गेंदे नौ रन खराब गेंद लेकिन क्या खूबसूरत नजाकत भरा स्टोक वही रुका निश्चित रूप से दो तीन रन जित स्ट्रोक पर मिल सकते थे लेकिन गेंद को बेहतरीन तरीके से सहलाया थोड़ा सा गेंद का गति परिवर्तन था टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई आउट स्विंग गेंद लेकिन स्लोअर थी इस गेंद को हल्के से टैप किया किया इस गेंद को लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में शराब आउटफी से वो गेंद रुकी आठ रन चाहिए अच्छा स्ट्रोक और ये शायद कैच आउट होकर वापस आएंगे गौरव इस गेंद को बाउंड्री के पार नहीं पहुंचा सके मैच यही खत्म हो जाता लेकिन क्या क्या था वो अब <स्थाथ> जो टैप हुई गेंद वो अगर रुकती नहीं तो एक दो रन और आते एकाध रन आता तो स्ट्राइक चेंज हो जाती तो क्रिकेट में ऐसा कभी कभार हो जाता है आपका लग अगर हो तो ऐसा हो जाता है लेकिन अभी भी अक्षय स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक एंड पर है स्ट्राइक पर अभी अभी गए भगवंत नारायण उनको कुछ करना पड़ेगा तीन गेंदे आठ रन ये गेंद प्रणय की ये गेंद और ये क्लीन थोड़े से सफल हुए थे स्टंप्स के सामने पाए गए और नारायण आउट होकर डगा में वापस अगर फाइन इस गेंद को बल्ला भी लगाते तो चार रन हो सकते थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं ये मैच हाथ में आ चुका था लेकिन क्रिकेट का ये मजा है हाथ में आती हुई कभी कभी जो गेम्स होती है निकल जाती है और जो गेम कभी कभार हाथ से निकल चुकी है ऐसा लगता है वो हाथ में आ जाती है अनिश्चितताओं से भरा ये खेल नए बल्लेबाज साई जिन्होंने एक बेहतरीन कैच लिया था लॉन्ग लॉन्गन सटिया सलकर करके चोर पर साई मैदान में दो गेंदे आठ रन दो बाउंड्री तो चाहिए अभी कुछ भी हाल में किसी भी हाल में दो गेंदों पर दो बाउंड्री चाहिए आठ रन चाहिए दो गेंदों में एक गेंद अगर ये जाया नहीं होती विकेट नहीं गिरता अच्छी वापसी यहाँ प्रणय बागर करके अच्छी गेंद अच्छी गेंद अच्छी गेंद गें। लेकिन मैच हाथ से शायद निकल चुका है अब आखिरी गेंद और ऋषि गुडव न होने के बावजूद ये टीम बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए प्रणब बाकर ने खूबसूरत गेंदबाजी की आखिरी पहले आखिरी ओवर की पहली गेंद पर चक्का आने के बावजूद उन्होंने अपने आप को संभाला अपने हौसले बुलंद रखे और लाइन एंड लेन की खूबसूरत गेंदबाजी करके दिखाई हालांकि वो गेंद गौरव ने बहुत बेहतरीन तरीके से खेली थी एक गेंद और जीतने के लिए सात रन चाहिए कंपल्सरी चीज है